नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। और हम सभी को गाजर का हलवा पसंद नहीं है, कौन होगा जिसे पसंद नहीं होगा। लेकिन आज हम इस गाजर के हलवे को एक अलग तरीके से बनाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा कि गाजर को हम पहले घिसते हैं, उसे बारीक छिलते हैं, उसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत भी लगता है। बट हमने एक आसान तरीका बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, गाजर को हमने जैसा था उसी तरह ठीक उसे धो के साफ करके उसे प्रेशर कुकर में रख लिया है। आप देख सकते हैं, तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने गाजर काट के रखा हुआ है प्रेशर कुकर में। इसे हमने धो लिया है और ऊपर का जो लेयर है, ऊपरी परत है, उसे छील के साफ़ कर लिया है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, हमने पानी ऐड किया है और अब इसे हम प्रेशर कुकर में पैक कर लेंगे। और ये रेडी हो गया है लगभग पकने के लिए, तो अब हम इसे पकने के लिए रखेंगे। तो अब हम इसे रख देंगे। अब ये पक रहा है और हम लौटेंगे लगभग 15-20 मिनट के बाद। तो ये देखिए, अब हम कुकर को खोल रहे हैं लगभग 20 मिनट के बाद। अब देख सकते हैं, लगभग 20 मिनट के बाद में अब इसे प्रेस करके देख सकते हैं किस तरह से कट रहा है इतनी आसानी से। ये लगभग पक चुका है। तो ये हमने गाजर लगभग 1 किलो गाजर लिया हुआ था। आपको बता दें हैं कि गाजर लगभग 1 किलो था और उसमें हमने लगभग 0.5 लीटर पानी डाला था और इसे एक तरह से बॉईल कर दिया था, उबाल दिया था। और अब हम इसमें एक फाइनल चीज़ मिक्स करेंगे जो कि है दूध। तो उबला हुआ दूध हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं, हमने एक कढ़ाई रखा हुआ है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच लगभग घी डालेंगे, ये देसी घी है। तो कढ़ाई में हमने लगभग 1 चम्मच देसी घी डाला हुआ है। और अब आप देखेंगे, जो पानी हमने यूज़ किया था उबालने के लिए, पानी को हम निकाल देंगे, उसमें से छान लेंगे। तो ये देखिए, तो अब हम ये गाजर को उसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब देख रहे हैं कि गाजर उबल चुका है और एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो हम प्रेशर के हेल्प से इसे धीरे धीरे प्रेस कर देंगे। अब देख सकते हैं कितनी आसानी से ये गल रहा है। सिर्फ इजीली हम इसे प्रेस कर रहे हैं और ये गल जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये उबल चुका है केवल 20-25 मिनट में। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध, लगभग आप कह सकते हैं लगभग 0.5 लीटर, ये देखिए उबला हुआ दूध हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। और थोड़ा सा शक्कर, अगर गाजर मीठा हो तो शक्कर का ज़रूरत नहीं होगा, तो बट अब स्टिल आपको अगर चाहिए तो ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा शक्कर हमने ऐड किया इसमें। अब हमने जो शक्कर डाला हुआ है उसे हम मिक्स कर रहे हैं। दूध और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे लगभग पाँच मिनट इसे छोड़ देंगे धीमी आंच पे, ताकि जो दूध हमने ऐड किया हुआ है वो लगभग सूख जाए, एक तरह से वो जल के थोड़ा सॉलिड स्टेट में हो जाएगी। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले फ़िलहाल। तो आप देख सकते हैं ये पक रहा है। इसे हम ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 मिनट रखेंगे। और तब तक आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इलायची, हम थोड़ा सा इलायची को क्रश कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये उबल रहा है। हमने इलायची को जो हमने क्रश किया था, वो सारे इलायची को हम इसमें डाल देंगे।
जिससे कि टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो इस समय सूख गया है, सूख के धीरे धीरे ये सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो 2 से 3 मिनट और हम वेट करेंगे। तो ये देखिए गाजर का हलवा लगभग बन के तैयार हो गया, हम इसे चेक करके देख रहे हैं। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया है लगभग, और ये हमने गैस को बंद कर दिया है। अब देख सकते हैं अब गाजर का हलवा बन के तैयार है। तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए, और उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। और चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।